बड़ी खबर आ रही है, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मुख्तार अंसारी का आईसीयू में इलाज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अचानक से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है, मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, तबीयत बिगड़ी जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, आईसीयू में इस वक्त इलाज चल रहा है। यूरिन इन्फेक्शन को लेकर जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से, कुछ इस तरीके की तकलीफ है। सर्जरी की एडवाइस दी गई है डॉक्टर्स की ओर से। आईसीयू में इस वक्त इलाज चल रहा है, हालांकि तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मुख्तार अंसारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। मुख्तार को पेट और यूरिन इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है इस रिपोर्ट के जरिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की तबीयत पर जेल प्रशासन का बयान सामने आ गया है। टॉयलेट जाते वक्त गिर गया था मुख्तार अंसारी, फिलहाल कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, ये भी जेल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। संवाददाता अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी हेल्थ बुलेटिन में क्या कुछ बताया जा रहा है? अवनीश, देखिए बीती रात अचानक से पेट दर्द की शिकायत के बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। हालांकि कल इमरजेंसी में, कल रात में आधी रात के करीब एडमिट कराया गया, लेकिन अब आईसीयू में रखा गया है जहां पर मुख्तार अंसारी का इलाज जारी है। हालांकि देखिए डीजी जेल के मुताबिक जो सिचुएशन है वो पैनिक नहीं है, क्योंकि पेट दर्द की शिकायत हुई थी और उसके बाद टॉयलेट मुख्तार जा रहा था और उसी वक्त अचानक से वो गिर गया, जिसके बाद जो जेल कर्मी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है उन्होंने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर वैन में एडमिट कराया गया है मुख्तार को। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 से 4 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने, चूंकि ये कहा था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, दरअसल उसकी पेशी हुई थी वर्चुअली एक केस में और तब जज के सामने उसने कहा कि उसको जान का खतरा है और उसे जेल प्रशासन की तरफ से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर 3 दिन पहले ही वहाँ के डिप्टी जेलर को भी सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अब चूँकि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी को लेकर, चूँकि अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से इससे पहले भी कई बार ये कहा जा चुका है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर खतरा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात या कोई दिक्कत सामने नहीं आई है, क्योंकि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं और कई मामलों में मुख्तार अंसारी को बीते दो साल में कई मामलों में सजा हो चुकी है और कई मामले चूंकि ट्रायल पर हैं और देखा जाए तो कई मामलों में जो मुख्तार के परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी जेल में बंद हैं। चूंकि बेटे अब्बास की बात करें तो अब्बास भी इस वक्त जेल में बंद है, जो विधायक हैं, और साथ में अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को लेकर अभी जो जानकारी है कि मेडिकल कॉलेज। बहुत शुक्रिया अविनाश, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। इससे पहले अवनीश ने भी हमें इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका।